ये क्या हो रहा है यहाँ? वो हम चूल्हा बना रहे थे। वो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन क्यों? जब मैंने मना किया कि चूल्हे पे खाना नहीं बनेगा तो फिर ये चूल्हा तुमने क्यों बनाया? वो हमारे को सिद्धार्थ जी ने। वो तनु, क्या हुआ ना कि मैंने सोचा कि जब घर में खाना बन सकता है तो बाहर से क्यों मंगवाना। इस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसे, और जब मैंने कह दिया है कि मैंने बाहर से खाना ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है तो प्रॉब्लम क्या है? सिंपल सी बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती है? तनु, तनु कहाँ है आपका डिलीवरी बॉय? एक बज गया है, हमारे गेस्ट आते ही होंगे और आपके खाने का अता पता ही नहीं है। सॉरी फॉर द डिले मैम, 10 मिनट में वो खाना लेकर निकल रहा है। 1:30 बजे तक खाना आपके सामने होगा। सॉरी मैम। व्हाट? 1:30 बजे? तब तक तो हमारे गेस्ट आ जाएंगे। मैंने आपसे स्ट्रिक्टली कहा था कि खाना 1 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। एक्चुअली अचानक आपने इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया तो बनाने में वक्त लग गया। बट डोंट वरी मैम, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू डिलीवर एज सून एज पॉसिबल। तनु, खाना कहाँ तक पहुँचा है? इनका कॉल आया था, वो निकल चुके, 1:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। मॉम, मैं मैनेजर से ही बात कर रही थी, उसने कहा है कि 1:30 बजे तक खाना पहुँच जाएगा। 1:30 बजे तक पहुँच जाएगा? मतलब मेहमान आने से पहले अगर खाना नहीं आया तो? अगर भाई साहब ने उसके बारे में पूछा तो हम क्या जवाब देंगे? आई नो, पर अब क्या कर सकते हैं। मेरी मैनेजर से अभी उसी बात पर बहस हो रही थी। अब तो इस घर की इज्जत भगवान भरोसे। किनका ही कॉल है? हेलो। हाँ सविता, हम यहाँ चौराहे तक पहुँचे हैं, बस 10 मिनट में घर पहुँच जाएंगे। सारी चीजें रेडी होनी चाहिए, कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जी। खाना कहाँ तक पहुँचा? वो लोग 10 मिनट में आ रहे हैं। तो उसे जरूरत क्या थी ट्रैफिक वाला रूट लेने की? कोई और रूट ले लेता। आई एम टेलिंग यू मिस्टर शर्मा, अगर आज खाना टाइम पर नहीं पहुंचा देन आई विल गेट यू फायर। अगर खाना टाइम पर नहीं पहुंचा तो हम उन्हें मॉकटेल्स और स्नैक्स सर्व कर देंगे पहले। थैंक्स किंशु, वो डिलीवरी बॉय तो ट्रैफिक में फंसा हुआ है। आज तो बेइज्जती होने वाली है हमारी, पता नहीं अब क्या होगा। देखो, अब हमारी तरफ से हम जो कर सकते थे हमने कर दिया, बाकी आगे जो होगा सो देखा जाएगा। आइडिया, हम उनका ट्रेडिशनल स्टाइल में वेलकम करते हैं, इससे हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा और तब तक हमारा खाना भी आ जाएगा। व्हाट्स इट? परफेक्ट। बाल्टू, ये किचन में रख दो प्लीज। अगर तनिषा जी ने हमारे चूल्हे पर पानी ना फेंका होता तो अभी तक तो खाना बनकर तैयार भी हो गया होता। अब तो अंकल जी को शर्मिंदगी के अलावा और कुछ नसीब ना होगा। लो, लगता है ये लोग आ भी गए। मेरी बहू तनिषा, आई एम श्योर गेस्ट को वेलकम करने का आइडिया तुम्हारा ही था। आई एम इम्प्रेस्ड जमनादन जी, ऐसे वेलकम की उम्मीद तो मैंने नहीं की थी। आपकी बहू बहुत संस्कारी है। अब जितना अच्छा वेलकम हुआ है उतना ही अच्छा खाना भी खिला दीजिए। मैं तो खुल के कह रहा हूँ कि आज के इस स्पेशल लंच के लिए मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी स्किप कर दिया है। आफ्टर ऑल, रोज रोज घर का बना मारवाड़ी खाना खाने को थोड़ी मिलता है। आइए आइए प्लीज। सविता, आई होप फालतू अपने कमरे में है और यहाँ बाहर आकर मुझे दोबारा एम्बैरस नहीं करेगी। नहीं, वो कमरे में ही है। गुड, चलो खाना वाना स्टार्ट करते हैं, सबको बहुत भूख लगी। खाना होगा तो खाएंगे ना। अच्छा खासा फालतू खाना बना रही थी
ये तनिषा ने आके पूरी बैंड बजा दी, अब भुगते, देखती हूँ कब आएगा उसका खाना। तनिषा जल्दी से कॉल कर प्लीज। अगर डिलीवरी बॉय निकल गया है तो अभी तक पहुंचा क्यों नहीं है? क्या हुआ तनु? पता नहीं कहाँ रह गया, फोन ही नहीं उठा रहा है। मां अब क्या करें, क्या होगा? सुशांत किंचुक कुमकुम तुम दोनों एक काम करो, ये मॉकटेल्स और स्नैक्स बाहर जाके दे दो, ठीक है? और कुमकुम अपने चेहरे पे थोड़ी मुस्कान लिया, वरना तेरा चेहरा देख के सबको पता चल जाएगा कि कुछ तो भी गड़बड़ है। जा बेटा। अरे भाई जनार्दन जी, ये कॉकटेल्स और ये स्नैक्स तो विदेशी कॉन्सेप्ट है, तो हमें कहीं भी किसी भी होटल में रेस्टोरेंट में आराम से मिल जाता है। अरे भाई आज तो आप अपने यहाँ कुछ ट्रेडिशनल स्पेशल देशी चीज सर्व करवाइए ना, तब आएगा मजा। हाँ आ ही रहा होगा, मतलब एक मिनट। भाई वो स्नैक्स क्यों सर्व कर रहे, हमारे मारवाड़ी स्नैक्स कहाँ है, वो सर्व करो। क्या हो, तुम रो क्यों रही हो? एक्चुअली हमारी कोई गलती नहीं है, आज पता ही नहीं था कि गैस सप्लाई शाम तक बंद रहने वाला है, तो हम खाना ही नहीं बना पाए। तनु ने होटल से ऑर्डर किया था लेकिन डिलीवरी नहीं हुआ है। व्हाट? धीरे से बोल, मेहमान सुन लेंगे। अरे सुनेंगे क्या, बस थोड़ी देर में पता तो चल ही जाएगा। Nonsense is this. Such an insulting situation. हमारे मेहमान खास आए हैं हमारे घर पर ऑथेंटिक मारवाड़ी खाना खाने के लिए, और उन्हें देखने तक का नसीब नहीं होगा। मुझे ना ये प्लान बनाना ही नहीं चाहिए था, घर पर मेहमानों को बुलाना ही नहीं चाहिए था मुझे। तुम्हारा डिलीवरी बॉय कहां तक पहुंचा है? I don't know, बाबा, वो फोन ही नहीं उठा रहा है। Good. Fantastic. मैं बाहर जाके मेहमानों को कह दूंगा कि जनार्दन मित्तल के घर से उन्हें खाली पेट लौटना पड़ेगा। अरे मुझे फोन करके बता देते, मैं गैस का इंतजाम कर देता या उन्हें कहीं बाहर ले जाता लंच करने के लिए। किसी को सूझा नहीं मुझे फोन करने के लिए। Bunch of hopeless people. एक छोटा सा इश्यू खड़ा हो गया है, मैं पेश है आप सबके लिए राजस्थान का खास सौंफ शरबत। लगता है खाना आ गया। ये तो सच में खास है, वेरी रिफ्रेशिंग। ये बात हुई। अमर जी, ये कहां से आया और बाकी सब खाना कहां है? बैकयार्ड में रथोई जमी है दादी, वहां सब बन रहा है। बैकयार्ड में? फालतू, माफ करना दादी सर, थे बाद में जितना मर्जी मारे को डांट लेना, पर अभी खाना बनाना बहुत जरूरी है। थे तो जानो हो ना, अतिथि देवो भवा, और हमारे घर से हमारे देव ऐसे भूखे जाए मैं होते हुए ना देख सकूं।
और अतिथि देवो भवा की प्रथा तो हर जगह हो गया ना दादी सा। दादी सा मैंने थारी सारी दवाइयों का टाइम पता है और थे कब कौन सी एक्सरसाइज करते हो वो भी मारे को पता है। तूने तो हमारी लाज रख ली आज पल तो। रुक मैं भी तुझे मदद करती हूँ। अरे ना ना दादी सा थे वैसे भी यहाँ कहाँ बैठोगे, जाओ ना मेहमानों के साथ अंदर बैठो, वैसे भी बस हो ही गया। ठीक है माँ खाना आ गया ना? हाँ अमर जी ला रहे। थैंक गॉड खाना टाइम पर आ गया, मैं अभी देख कर आती हूँ। बस 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 भैया बहुत खा लिया, इतना खा लिया है कि पेट में सांस लेने की जगह भी नहीं बची भैया। और जनार्दन जी आपकी मेहमान नवाजी के तो हम कायल हो गए। जनार्दन जी अब हमें चलना चाहिए। थैंक यू बेटे, बहुत ही मुश्किल सिचुएशन को तुमने बड़ी आसानी से संभाल लिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और अपोलॉजीज, गुस्से में मैं थोड़ा सा रूड हो गया था तुमसे। इट्स ऑल राइट बाबा, थोड़ी देर के लिए तो मैं भी पैनिक कर गई थी, लेकिन तुमने सब कुछ अच्छे से संभाला। आई एम सो सॉरी मैम, वो आज रोड पे नाकाबंदी थी इसलिए लेट हो गया। तन्नू, जो तुमने खाना ऑर्डर किया था वो तो अब आया है, तो हमने गेस्ट को कौन सा खाना सर्व किया? इतना अच्छा खाना किसने बनाया? फालतू ने, फालतू ने। फालतू बेटा यहाँ ना। इस लड़की ने? हाँ इस लड़की ने, इसी की वजह से तू आज यहाँ पूरी इज्जत से सर उठा के खड़ा है। इसी ने आज पूरा खाना बैकयार्ड में चूल्हे पर बनाया। थैंक यू फालतू। चलो भाई मैं कहती हूं अंत भला सो सब भला। फालतू बेटा तू भी जाके खाना खा ले, भूखी होगी। अरे खाना खाने से थोड़ी ना पेट भरेगा दादी इसका। अरे इतना बड़ा शाबाशी वाला काम किया इसने, दीजिए ना दादी इसे टिप। नहीं क्या कहते हैं उसे, बख्शीश दीजिए ना। अरे दादी ये लोग सिर्फ पैसों के लिए तो काम करते हैं। हाँ बिल्कुल दादी सा, इतनी मेहनत जो की है मैंने
अपनी बख्शीश तो जरूर लूंगी। अब तुम दोनों का हो गया है? चलो सब लोग चलो, और बेटा तू भी जाके खाना खा ले। एक विकेट डाउन। मैंने उसे मना किया था मॉम, फिर भी उसने खाना बनाया, सबकी तारीफें लूट ली और सबकी नजरों में हीरोइन बन गई। इससे तो अच्छा होता कि गेस्ट भूखे ही चले जाते। हाँ, देखा मैंने जो, but I don't blame her. गलती तेरी है। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि फालतू को इस घर में लेकर मत आ, लेकिन तूने मेरी नहीं सुनी। अब देख कैसे सबके दिलों में जगह बनाती जा रही है। गलती हो गई मॉम, लेकिन अगर ये इसी स्पीड से चलती रही तो घर वालों के साथ साथ अयान को भी अपनी साइड कर लेगी। और बाबा ने तो उसे सबके सामने आने से मना किया था, लेकिन जब उसने अपने हाथों से खाना बनाया तो बाबा ने भी कुछ नहीं बोला। मॉम, हमें जल्द से जल्द उसका एकेडमी में एडमिशन करवाना पड़ेगा ताकि उसका ध्यान घर से हटे और हम अपना प्लान बी शुरू कर सकें। Don't worry, Tanu. हमारा प्लान बी मुंबई पहुंच चुका है। आज का पूरा दिन तो खाना बनाने में निकल गया माता रानी। अब कल कुछ भी कर सुबह प्रैक्टिस करूंगी, उसके बाद काम की देखी जाएगी। धन्यवाद माता रानी, आज सही वक्त पर मारे दिमाग की बत्ती जलाने के लिए और खाने में इतना स्वाद देने के लिए। तारा खेल समझ ही ना आता माता रानी, ये कैसा रिश्ता बांध दिया सिंदूर के साथ, जिसको मैं मिटा भी ना सकूं और किसी को दिखा भी ना सकूं। क्या कर रही हो तुम फालतू? क्या खेल खेल रही हो तुम मेरे साथ? मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रही हो? ओह, अब समझ आया। ये जो तुम घर पर नए नए ड्रामे कर रही हो, इसके पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? नहीं तनिषा जी, ऐसा कुछ भी ना है, तो हमारी को गलत समझ रही हो। मैं सब सही समझ रही हूँ। क्या चल रहा है यहाँ? ये जमीन पे क्यों बिखरा हुआ है? किसका सिंदूर है ये? अयान, ये मेरा सिंदूर है। वो मैं फालतू से कुछ बात करने के लिए आई थी, ये सिंदूर की डिब्बी मेरे हाथ में ही थी, मेरा पाँव फिसल गया यहाँ पे और सिंदूर की डिब्बी गिर गई।
लेकिन सिंदूर की डिब्बी तुम्हारी तो लग नहीं रही। अयान, ये पूजा की सिंदूर की डिब्बी है। पूजा में मैंने माता के चरणों पे सिंदूर चढ़ाया था ना, ये वही सिंदूर है। ओके, नहीं मुझे लगा कहीं ये इस लड़की का तो नहीं है। क्या है ना तनीषा, इसे दूसरों के नाम का सिंदूर लगाने की बहुत आदत है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।